सॉरी गलती से लग गया। अरे गलती से मतलब क्या, एक छोटा सा काम तुमसे नहीं होता, कर ही क्या रहे हो, सफाई तो कर रहे हो, उसमें भी गलती से लग गया। अब इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या है, आप मंदिर में खड़े हो, आपको सॉरी बोला तो सही, मैंने चिल्ला के रहे हो आप। तुम पागल हो क्या, अक्कल नहीं है क्या, जबान किस लिए आ रहे हो मुझसे, बदतमीज तमीज नहीं बात करने की, इतना नहीं पता लड़की से कैसे बात की जाती है। नहीं बेटा मैं तो लड़ते नहीं, आप लड़ने चाहिए मंदिर में, मंदिर में भगवान को मत्था टेको। पंडित जी आपको तो पता ही है कि मैं हर सोमवार को यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आती हूँ, अब इसने मुझे टक्कर मार दी थी जोर की। बेटा ऐसे नहीं कहते, भगवान के द्वारा पर सब ठीक जैसे होते। पंडित जी वो सब तो ठीक है, पर आपको नहीं पता इसको बिल्कुल भी काम करने नहीं आता, यहाँ पर ये ढंग से सफाई भी नहीं कर रहा था, आपने इसे यहाँ पे क्यों रखा है। तमीज की बात आप मुझसे मत करो, आप खुद अपनी तमीज देखो, आप पंडित जी के सामने बदतमीजी में बात कर रहे हो, और रही बात टक्कर की, वो गलती से लग गई थी और उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोला भी, आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। मैं अभी भी कह रही हूँ मुझसे तमीज से बात कर, तुझे पता नहीं मैं हूँ कौन, मैं कांस्टेबल की बेटी हूँ, दो सेकंड में तुझे ना यहाँ से उठवा दूंगी। अच्छा तो मंदिर में आकर ना यहाँ पर अपने पापा की पोजीशन की लगी हुई थी, दो सेकंड लगे मुझे तुम्हें ना लॉकअप में अंदर करवाने में, ये तो मंदिर है इसलिए मैं शांत बैठी हूँ। बेटे ऐसे नहीं करते, ऐसे बोलते नहीं है, पूजा पाठ के बाद मैं समझाऊंगा। अब हो गई पूजा, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या कह रहे थे तुम अंदर मुझे। तुम दो मिनट रुको। पंडित जी ये लो इस महीने की दक्षिणा। ठीक है बेटा जीते रहो। मैंने एक सेकंड पर यहाँ पे चल के रहा है, तुम इतनी ज्यादा दक्षिणा दे रहे हो वो भी लाखों में, पर तुम तो वहाँ पे अंदर कुछ काम वाम करते हो सफाई का मंदिर में। तुम्हें किसने कहा कि मैं अंदर काम करता हूँ, पर तो वही रहते हैं, मैंने खुद देखा जब तुमने मुझे टक्कर मारी थी, और ऊपर से तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ी है मर्सिडीज। अगर तुमने तसल्ली से अंदर मेरी या पंडित जी की बात सुनी होती ना तो तुम्हें पता होता। बेटा ये झाड़ू पोछा मारने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा सेठ है और ये हर महीने आकर के हमें दक्षिणा देकर के जाता है। इसीलिए कहते हैं किसी को किसी काम से जज नहीं करना चाहिए, हर इंसान यहाँ पर इज्जत डिजर्व करता है, भले वो छोटा काम करे या बड़ा।